नमस्कार पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौर ट्रिपल असेंबली टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 25 जुलाई से 31 जुलाई के लिए यानी कि महीने के एंड तक की रीडिंग होगी। और ये इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के प्रति क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके लिए क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और लास्ट में इसका आउटकम देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनको फिलहाल क्या लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि वो महसूस कर वो उसी पर्सन के लिए स्टक एनर्जी में है। उनके पास और भी ऑप्शन है लेकिन फिर भी वो उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि आपके पास और भी ऑप्शन है लेकिन और ऑप्शन होते हुए भी आप उसी पर स्टक हो चुके हैं। आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं लगातार कि वही पर्सन उनकी लाइफ में होना चाहिए, वही पर्सन उनकी लाइफ में होना चाहिए जिससे वो पहले जो उनका लवर होता था या जिनसे वो प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो उसके लिए आप स्टक हो चुके हैं। आप कुछ सोचने के मूड में नहीं हैं, आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, लेकिन जो आपके पर्सन वो महसूस कर रहे हैं कि आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको भी ग्रैब करके देख लेना चाहिए। या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी आप स्टक हो चुके हैं, नेगेटिव फेज से आप गुजर रहे हैं, काफ़ी परेशानी दिक्कत में दिखाई दे रही है। जब आप अपने आपको सेल्फ हीलिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे और उन चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त, सही सिचुएशन नहीं आ जाती, सही टाइम नहीं आ जाता, जब तक अगर वो कोई राज जानते हैं, कोई मिस्ट्री जानते हैं, कोई रहस्य जानते हैं तो अपने तक सीमित रखें। वो किसी को भी इसका जिक्र ना करें, रिलेशन के बारे में या इस दोस्ती के बारे में या जो भी इसमें परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, जो ये रिश्ता स्टक हो गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता। और कुछ चीज़ें भरोसे भाग्य के भरोसे छोड़ दें वो, और वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स पर फेथ करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी मैनिपुलेशन के, संस्कारों के साथ और नेक नीति के साथ इस जो ये आपका सही वक्त, सही समय आ रहा है उसको सही चीज़ों में लगाएं, उसको यूटिलाइज करें। वो इस समय को सही यूटिलाइज करना चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस समय को जो ये सही समय, सही वक्त आ रहा है, इसको अगर अच्छे कामों में लगा लेते हैं तो यूनिवर्स भी उनका साथ देगा, भाग्य भी उनका साथ देगा। और समय रहते ही उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, समय के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेज आते रहते हैं और होना भी चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर दोनों से कोई गलती हुई है तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और एक दूसरे को माफ़ कर दें, और वो समय के अनुसार जो समय वक्त चल रहा है पुरानी चीज़ों को भुला कर इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि आपको जो आपका भाग्य अच्छा चल रहा है, जो समय अच्छा चल रहा है तो वो उसको यूटिलाइज करें। तो आपसे वो क्या चाहते हैं, जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो जो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि जो ये रिश्ता इस नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, जिससे काफ़ी मतलब उन्होंने जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनके उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है कि वो हर्ट हो चुके हैं, उनका दिल दुख रहा है, उनका मन दुख रहा है, वो परेशान है, वो काफ़ी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, वो अब भी इस रिश्ते से उभर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो चिंता में हैं और काफ़ी परेशानियां दिक्कतें वो अभी इस रिश्ते से उठा रहे हैं, और लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, जब वो चाहते हैं कि जब वो हील हो जाएं उन उस परेशानी से, उस दुविधाओं से, उस रिलैक्स हो जाए उनके पर्सन वो पाइसिस, तो वो इस रिश्ते में दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, क्लैरिटी लाएं अपने अंदर, अपने दिमाग को शांत करें, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें और वो अपना मन बना लें, वो सोच लें कि उनको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करके उसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करें अगर उनको सही लग रहा है तो, और वो फ्लो के साथ, ओवर फ्लो के साथ ना बहें, ओवर इमोशनल ना हो इस रिश्ते को लेकर, भावनाओं में ना बहें, समय के साथ फ्लो के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, ये दो दो बिगनिंग के कार्ड हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम दिलाने वाला होगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो वो समय रहते वो इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, जो परेशानियां दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं तो वो पहले इसमें रिलैक्स करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, और तभी वो इसमें एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत करें। लेकिन जो अच्छा समय आ रहा है, जो यूनिवर्स जी उनको मौका दे रही है, उसका वो फ़ायदा उठाए, नहीं तो अगर ये समय अब बीत गया तो फिर दोबारा शायद हाथ आएगा या नहीं आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखते हैं कि पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल, तो जो पाइसिस आपको आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई भी जो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, और आपको अपने बड़े बुजुर्गों से या किसी मेंटोर गुरु से किसी से भी सलाह लेकर इसमें यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक प्यार से, प्रेम से, फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आप इसने इसके लिए सोच लिया है, ठान लिया है, अपना मन बना लिया है, एक संकल्प कह सकते हैं या एक इरादा कह सकते हैं कि आपने इरादा कर लिया है, भले ही वो डिसीजन लेने में आपको परेशानी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, अगर चाहे रिश्ता बने या ना बने या टूटे, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक दूसरे से क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बातें कर लेनी चाहिए, और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए बड़ों से पूछ कर, या जो भी बिना खुली आंखों से, बिना आंखें मूंदे एक दूसरे से बातें करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि वो समय रहते इसमें एक डिसीजन लें, चाहे भले ही उनके लिए मुश्किल है, परेशानी भरा है, और लेकिन अगर वो अब डिसीजन नहीं लेंगे तो लाइफ में कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे, या फिर आपने सोच ठान लिया है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये ठान लिया है, आपने इरादा कर लिया है कि आप क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से बच्चे की एनर्जी की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। तो पाइसिस आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से?
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आप चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्क पर खड़े हुए हैं, जो उनके पर्सन क्रॉस मार्क पर खड़े हुए हैं, जो कुछ भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, वो परेशानी में है, दुविधा में है, तो आप चाहते हैं कि आप रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, दो कदम पीछे हटें और जो रास्ता आपको सही रास्ता, जो रास्ता आपके लिए सही है, जो मार्गदर्शन आपके लिए सही है, आप उसी रास्ते पर चलें, उसी को फॉलो करें और क्लैरिटी के साथ. एक बच्चे की एनर्जी की तरह अपने आप पर थोड़ा सा, जो आप कड़वा बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करें और मिठास के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं. इसमें एक जो बातें पुरानी हो चुकी हैं, मतलब जो रिश्ते में परेशानियां, दिक्कतें, खटास आ चुकी है, जो दिल दुखा है, जो मन दुखा, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ. और अपने आप, जो आप दूसरों के लिए प्यार प्रेम रखते हैं, वो अपने ऊपर भी लागू करें, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव भी करें. अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, प्रेयर करेंगे और अपने लिए भी थोड़ा सा अपने को भी हील करेंगे, तो उस नेगेटिव फेज से आप बहुत जल्दी उबर पाएंगे और सोच सकेंगे. तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को हील करें ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके. तो प्यार से, प्रेम से आप जो दूसरों को प्यार देते हैं, दूसरों के लिए स्नेह रखते हैं, वो थोड़ा सा अपने लिए भी, आप अपने आप को भी हील करें, अपने आप को भी मेडिटेट करें, अपने लिए भी थोड़ा सा प्यार बटोर कर रखें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप इस रिश्ते में करें, ऐसा वो चाहते हैं. तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा. इसका आउटकम क्या रहने वाला है. थ्री ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स. ये सॉरी गाइस, ये चौथा कार्ड भी निकला है तो इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो एडिक्शन है, जो बाधाएं हैं, जो ओवर कंट्रोल चीज़ों में हो रहा है, ओवर थिंकिंग है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और एक दूसरे से शायद आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग कर इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इस रिश्ते को आप गेट टू मतलब एक टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगाना चाहते हैं उन भावनाओं के साथ के आप काफ़ी प्यार प्रेम से रहेंगे. एक या तो आप एक पार्टी रखना चाहते हैं, चाहे वो कॉफ़ी पार्टी है, चाहे लंच पार्टी है, चाहे डिनर पार्टी है, जो भी कुछ है, तो आप उनके साथ मिलकर इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, चीयर अप करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों को ही लगता है, शायद दोनों को ही लग रहा है कि अगर ये रिश्ता बन जाता है तो इसमें काफ़ी ये रिश्ता एक गॉर्जियस हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, घर बनना, घर बसना सब कुछ इसमें हो सकता है, नेम, फेम, सक्सेस, ब्यूटी, जॉब, करियर, पैसा, मनी, सब कुछ ये रिश्ता दिला सकता है और काफ़ी खुशियां इसमें हो सकती हैं, अबंडेंस हो सकता है, काफ़ी खुशियां हो सकती हैं, काफ़ी लग्जोरियस लाइफ ये इस रिश्ते में हो सकती है. तो काफ़ी खुशियां, काफ़ी प्यार प्रेम एक दूसरे के साथ आप महसूस कर रहे हैं और भले ही ये, और ये अगर ये रिश्ता, इस रिश्ते में एज डिफरेंस हो सकता है, जो शायद इसमें जो लड़की है हो सकता है, जो लेडीज फीमेल है वो बड़ी हो सकती है इसमें, तो और लेकिन वो काफ़ी पैसे वाली, प्रॉपर्टी वाली, हर चीज़ से वो मतलब काफ़ी स्टेबल है. तो इसका आउटकम ये भी बता रहा है. तो कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता, मतलब एज डिफरेंस है, चाहे मेल बड़ा है या फीमेल बड़ी है, थोड़ा सा कुछ और हो सकता है कि कोई एक जना
ऑलरेडी एक तरफा शादीशुदा, तो या मतलब पहले जिनका रिश्ता होकर टूट चुका है, तो वो भी बंदा इस रिश्ते में हो सकता है। तो ये थी आज के लिए रीडिंग। फिर अगर आपको मेरी रीडिंग सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी हो, मोटिवेशन मिले, और नई नई वीडियोज़ आपके सामने हर रोज़ लाती रहूँ। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।